नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाटगंज थाना अंतर्गत महाराष्ट्र हाई स्कूल के बाजू में एक फ्लैट में देर रात लगभग 1 बजे आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पर दमकल विभाग का अमला दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान लाटगंज थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव पुलिस भी पहुंची और बताया जाता है कि जिस फ्लैट में आग लगी, दरअसल उस फ्लैट को गिफ्ट आइटम के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें गिफ्ट का सामान और गत्ते रखे थे, जिससे आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। किन कारण से आग लगी और अग्नि हादसे में कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये महाराष्ट्राई के बाजू से अर्मोनिया वालों का गोदाम है। फ्रंटियर होंडा के सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पर आग लग गई थी अचानक। जी, उसकी बिल्डिंग में क्या काम होता है? ये यहाँ पे अर्मोनिया गिफ्ट सेंटर है, उसकी गोदाम है और ऊपर गत्ते ही गत्ते भरे हुए थे, जिसके कारण आग बहुत जल्दी पकड़ ली। जी, गोपाल कृष्ण स्वर्ण का। सूचना थी, क्या मामला? ये कोई अनूप जैन इस फ्लैट के मालिक हैं। टॉप फ्लोर का फ्लैट है ये और इसका गोदाम के रूप में उपयोग होता है, जिसमें गिफ्ट विफ्ट के पैकिंग मटेरियल का सामान है। इसमें आग लगने की सूचना में फायर ब्रिगेड के द्वारा आग की बुझाए जाने का प्रयास जारी है। कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई है, लेकिन उसके अंदर का सामान का आकलन उनके मालिक और जो कर्ता धर्ता उनसे संपर्क कर ही बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।